मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के 15 लाख डिफॉल्ट किसानों को नगद में खाद लेने की सुविधा दी गई है। किसानों को खाद प्राथमिक सहकारी समिति के जरिए मिलता है, इसलिए किसान जिस पैक्स में मेंबर होंगे वहां 25 मीट्रिक टन खाद उनके लिए रखवाया जाएगा। इसे वे नगद पैसा देकर ले सकेंगे, जिसे यह खाद पूरा बिक जाएगा। समिति इसका पैसा जमा करा कर फिर से खाद खरीद सकेगी। हालांकि ज्यादातर डिफॉल्टर किसान ग्वालियर और चंबल संभाग के हैं। यह व्यवस्था वहां की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही की गई है। सरकारी आंकलन में डिफॉल्टर किसानों की संख्या में 15 लाख ही बताई गई है, लेकिन समितियों ने पिछले वर्ष केवल 39 लाख किसानों को ही खाद दी थी, जबकि समिति में कुल 74 लाख किसान सदस्य है, यानी लगभग आधे किसानों को ही खाद मिला था। इस योजनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से कर्ज में डूबे किसानों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे नगद में खाद ले पाए। मध्य प्रदेश में कुल 4524 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, इनमें 74.18 लाख किसान सदस्य हैं। 2300 समितियां घाटे में हैं, 15 लाख भी डिफॉल्टर हैं। 2021-22 में मध्य प्रदेश सरकार को 12.16 लाख टन यूरिया, 6.3 लाख टन डीएपी और 1.63 लाख टन एनपीके खाद की आपूर्ति की थी। 2022-23 के लिए सरकार ने 13 लाख टन यूरिया, 10 लाख टन डीएपी और 2 लाख टन एनपीके की आपूर्ति खरीफ रबी दोनों सीजन की फसलों के लिए की गई।